Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam? Once again. मुझे नहीं लगता हम और किसी चीज के लिए भी इतने कंसिस्टेंट होंगे जितने बहुत ही ज्यादा वो आउट ऑफ नोवेयर दिमाग में आ जाते हैं यार काफी टाइम से टीवीएच पे नहीं किया तो और फिर हम खुद से ही पुराने वीडियो को ढूंढ लेंगे और करना स्टार्ट कर देंगे एंड दिस टाइम इट इज एक्साइटिंग क्योंकि हम दोनों को जानते हैं एग्जैक्टली और ये फन होगा बिकॉज आफ्टर यू नो शावीर का हमने वो शादी के बाद का देखा हमने युकानो का देखा आफ्टर एवरीथिंग वी आर इवन मोर फॉन्ड ऑफ मोरो नाउ बहुत ज्यादा बिकॉज He literally has a very nice gill, like, बहुत मस्त talent है उनमें story telling का तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी story tell करते हैं वही हाँ ना तो story telling आपने देखा होगा लोग आते हैं सिल्वर स्क्रीन पर कोई आता टीवी स्क्रीन पर ये हाथ में आ जाते मोबाइल स्क्रीन तो ये जो इंसान है ये ट्यूबों का बादशाह है रेड ट्यूब यू ट्यूब टाइट ट्यूब कौन सी ट्यूब है जिसपे ये वायरल नहीं है वो है मोरो तकरीबन एक साल वैंकूवर में रह चुका हूँ और तकरीबन दो साल ऑरलैंडो में रह चुका हूँ 18 साल इधर लाहौर में रहा हूँ पाकिस्तान के अलावा ना हुआ ना तो वो कराची आ गया बाकी तो किससे भाग रहे थे अम्मी अब्बू से क्या डिमांड थी पाबंदियां लगाई जा रही थी पाबंदियां जल्दी आ जाना लड़की कौन है अच्छा कौन है ये कौन है लड़की तो आपने बताया किसकी बेटी है किस खानदान से आई है ओ अच्छा बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कैसे अच्छा होता है तो देख के आप पूछते चेक करते ना पूछते इंडिया में जितने लोग इंडिया से आए सब अमीर ही थे वहां पर क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते अरे भाई हम लोग इतना कुछ छोड़ कर आए वहाँ से सर वहाँ पे तो हमारे बाप दादा के नाम पे सड़क भी है तो बात ये कि पाकिस्तान क्यों आए भाई मैं वापस इंडिया से ओ अच्छा वहाँ से न्यू ऑरलैंडो और ये जो आप न्यू मेक्सिको से वापस आए सर जो आपका रीजन है ना वहाँ निकलने का मेरा वो यहाँ रहने का रीजन तो यानी कि आपकी पाकिस्तान की इमिग्रेशन मिल गई मुझे पासपोर्ट नहीं मिला था कहीं और का इसलिए और उसके अलावा ये भी था कि मेरे पास ऑप्शन थी ग्रेजुएट होने के बाद कि मैं फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया मैं जा सकता था वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज में कोई इंटर्नशिप करके वहाँ से रैंक ऊपर क्लाइम कर सकता था लेकिन जो कहानियाँ मैं लिखता था वो उर्दू में होती थी आपके जोक्स भी उर्दू में ही होते हैं तो वो रेलेवेंस नैरेटिव की जो थी ना मुझे खाली पाकिस्तान में ही नजर आ रही बुशरा अंसारी वहाँ मौजूद है नुमान एजाज वहाँ मौजूद है आशर अजीम वहाँ मौजूद है नुमान एजाज पंजाब में रहते हैं लाहौर में भजन उनका वहाँ रेस्टोरेंट खुला हुआ है अच्छा जी मेरे शहर में मेरे शहर में सबके पैसा भारी इन्वेस्टर है भाई सर ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे इससे बेहतर कहने की कोई बात है ही नहीं ये कह दो लोगों के अंदर से जाग उठते हैं वो जुनून नेशनलिज्म का अच्छा ये एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो पाकिस्तान में ठीक चल रहा है वो है ब्रेन ड्रेन वो बहुत फ्लो में चल रहा है वो नहीं फंस रहा है उनकी ड्रेन हो जाए उन नालों की सफाई नहीं कर रहा कोई उसमें एनडीएमए नहीं बुला रहा कोई बहुत ही सिंपल सवाल है और ये मुझे लड़कों से सवाल करते बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए इस तरह के सवाल कितने पैसे कमा लेते अरे नैब नहीं देखता नंबर नहीं बता सकता नंबर नहीं बताओ अल्फाबेटिकल उसमें बता दो ना वर्ड्स में बता दो 10,000 गुजारा हो जाता है गुजारा हो जाता है ऐसे सही मतलब ये अमीर आदमी का गुजारा कैसे होता है जब उसका लाइफस्टाइल सपोर्ट हो जाए लाइफस्टाइल आपका क्या है मैं घुमा के लाऊंगा रखा पेट्रोल के खर्चे हैं पेट्रोल के खर्चे 40,000-50,000 के ये हो गए गाड़ी की इंश्योरेंस है गाड़ी की इंश्योरेंस साल की प्रॉपर्टी टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स 1,000 गज का घर है तो समझ लो 2,00,000 रुपए 1,000 गज के अच्छा इतना होता है मेरा थोड़ा सा कम है 1,000 गज से कम है 950 गज तो तब भी 1,50,000 1,50,000 है 1,50,000 साल का नहीं मेरा टैक्स कम है वो साइज का मुझे खुद नहीं आप टैक्स चोरी भी कर रहे हो चलो 1,20,000 हो गए टैक्स नहीं मैं तो पे करता हूँ 100% फाइलर हूँ एक्टिव फाइलर वो तो मैं भी हूँ मगर क्या क्या छुपा के हम फाइल करते हैं तो ना सब के नाम पे कर दिया होगा अभी शादी हुई इसीलिए हुई है सब नाम करके फिर शादी हुई सर इसी वक्त सारा सबका सब तो नहीं कर सकते आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ता है ना कुछ रखा भी है इन केस ऑफ एमरजेंसी हाँ
अभी आप थोड़े दिन होने तो भाई पता भी नहीं चलेगा था क्या। नाम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ काम करने के लिए बचेगा कितना काम। अच्छा गुरु, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं कभी यार जो नफरत हो जिससे कि यार यार करना पड़ रहा है, पैसे चाहिए, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स किए? हाँ हाँ, कितने काम, बहुत किए। शुरू में सारे काम ऐसे ही किए थे, अब थोड़ा बहुत होता है लड़ लेता हूँ, वरना पैसे के लिए आपको पता है फिर करने पड़ते हैं काम। अच्छा यूट्यूबर जो है ना वो टीवीएच को क्यों देखा आप? पैसे जो पैसे के लिए करने पड़ते हैं। देख रहा हूँ बात तो देख रहे हैं ना तू, बात ही ऑफेंसिव हो रहे शख्स। अच्छा ये, अच्छा जो यूट्यूबर फ्रेटर्निटी है ये आपस में एक दूसरे से जलती भी है या ये जो मैं देखा है आपस में थोड़ी तारीफ करते हैं, क्या वीडियो बनाई है मुरो, क्या इर्तकाज किया है, क्या काशी की है, क्या ये किया है, दिल से आ रही होती है उनकी, हट रही होता है भाई 2 लाख 2 मिलियन व्यूज होगा यार सर? मेरी तो हटती है। हाँ मैं देखता हूँ, मैं उनका नहीं मैं कुछ कह सकता, इंसानी फितरत का हिस्सा है, जलन होती है, बस जलन को कोशिश करता हूँ कि किसी नेगेटिव अमल में ना कन्वर्ट हो जाए, ट्वीट ना कर दूं, ट्वीट ना कर दूं, बैठ के सारी रात ये ना सोच रहा हूँ फलाने को कैंसर हो जाए। मगर इंसान को आता तो है ना, आता तो है यार, 3 इडियट्स वालों को देख यार क्या वीडियो पे 2 मिलियन, मेरी इतनी पढ़ी लिखी वीडियो 12,000, इसमें क्या है मेरे में, इसमें क्या है, कभी किसी ने बताया मेरे में ये है? नहीं तो सोच ही है, सवाल ही रह गया। आज तो इंटरनेट दिमाग खराब कर दिया हर किसी को, मशहूर होना है, टैलेंट ना भी हो तब भी बस उसको कुछ ना कुछ दिखा के मशहूर हो जाते हैं। कपड़े उतार के आप मशहूर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो रहे हैं लोग, हो रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं कर? मैंने कोशिश की थी एक दो दफा, वो नहीं पाया, जिसम ऐसा नहीं निकला। यार आप जिसम को सही दो तवज्जो थोड़ी दो, वरना आप में ऐसा क्या है जो नुमान खान में, ऐसा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा उसके, ये फ्रेंच, ये गोटी, ये नहीं है, मुंह पे नहीं, सीने पे बनाई गई, सीने पे गोटी बनाई गई, वो भी उसकी अपनी नहीं है, कोई छोड़ के चला गया वो गोटी, कस के पप्पी के वहीं रह गई। तो ऐसा कोई यूट्यूबर है जिससे आप अपने आप को स्वैप करना चाहते हैं, यार मैं जुनैद अकरम बन जाऊं और वो मुरु बन जाए, या मैं डकी भाई बन जाऊं या मैं नासिर खान बन जाऊं? जुनैद भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं स्वाप ना करना चाहूँ क्योंकि मैं अपने आप को फिल्म मेकर्स के साथ स्वाप करना चाहता हूँ। जब आप अल्लाह की मर्जी से चले जाएंगे दुनिया से, तो जो पीछे बच जाएगी खबर उसको देखकर लोग क्या कहें कि यार ये शख्स बहुत डैश? कुछ भी ना कहें, चुप रहें, मैं जब तक यहाँ पे हूँ मुझे फायदा है उस चीज का, मैं चला गया तो मेरा कोई फायदा नहीं, मैं मिट्टी में मिल रहा हूँ। अगर समझ लें इतना से एक आईना ही हूँ कि जो चीज़ें इंकाउंटर करता हूँ, अभी आज आपसे बात हुई है, कल आपकी तरह का कैरेक्टर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। बासित मेरे करियर को खतरा है इस शख्स से। छापने का चाइना हो आप? नाम तो आबिशर देंगे, क्रेडिट मिल गया, चाइना कॉपी है ना, आबिशर, 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 आबिशर रख लेंगे। अच्छा क्या करेगा वो, चाइना का होगा उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होगा, क्या करेगा वो, हंसाते हंसाते एकदम बंद हो जाएगा, क्या करेगा वो, कुछ गलत बात कर सकता है, पैर रख लेगा। अगर मौका मिले डुएट गाने का किसके साथ गाओगे आप? ज़ाहिर शाह के नाम में लेना, मुझे पता है हर कोई वहीं पहुंच जाता। ज़ेब कहने लगा था आपने, ताहिर शाह कह दिया, ज़ेब बंगश के साथ सिर्फ गाना ही गाना चाहते जी उनके साथ, शादीशुदा आदमी हूँ तो क्या हो गया यार, गाना इसमें क्या, मैं आप क्या समझ रहे थे यार, तो गिटार ही बजा सकते उनके साथ आप, हाँ बेस बजा सकते उनके साथ, बिल्कुल गजल गा सकते, लेकिन आपने कहा कि शादीशुदा, क्या मतलब था इसका? सर आपने सवाल ऐसे पूछा कि मुझे शायद मुगालता हो गया इस बात। अमल का दारोमदार नियत पर है। अच्छा हिस्टोरिकली इतने इवेंट्स हुए हैं दुनिया में, कौन सा ऐसा इवेंट है पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, तीन बताने, जो आप विटनेस करना चाहेंगे अपनी आंखों से? फ्यूचर में देखना चाहूंगा फॉर श्योर, मैं देखना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंचती है, उसका ज़ेनिथ क्या है, हां उसकी क्या वो मैट्रिक्स वाला माहौल होगा कि हम बैटरियां बना रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा एआई जब आएगी तो मतलब जैसे अभी तो हम बॉस के चुक लेते हैं जाके, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर ये है, सर मैं करूंगा, सर मैं हाजिर हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं, इसको बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं सिखा दूंगा, ये सब अब कंप्यूटर आपका बॉस है, आप कैसे मक्खन लगाओगे, कैसे उठाएंगे उसके दोनों स्पीकर उठा लिए, क्या आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बस उसने मेजर ही वैल्यू करनी है, चुकने चुकाने का गेम ही खत्म, गेम खत्म। लेकिन मसला भी तो होगा, क्या मसला, हमको छुट्टी चाहिए, मैं बहाना बनाऊंगा, उसको पता होगा झूठ बहुत चेक कर लेगा, बच्चा होने वाला है उसको पता होगा, कैलकुलेशन कर लेगा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एल्गोरिथम लगा लिए इसके तो होगा ही नहीं, मैं सर बच्चा हो रहा है,
कद्दू लिखा हुआ आगे कद्दू ये तो खाली कारतूस चलाता है मूछ का बहुत बड़ा होकर अक्सर नाक में टर्न हो जाता है। अब ये आजकल तो पता है लोग छींकने से खांसने से कितना डर रहे हैं, वो टर्न होगा छींके आ जा रहे हैं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सबको मास्क पहन के बैठेंगे, सब यूं करके छींकेंगे, कोई यूं करके नहीं छींकेगा। फैन ने 5 करोड़ रुपए दिए कि सर आप जाओ फिल्म बनाओ, हम देखते हैं कौन रुकता है आपको। फैन ने दिए, 5 करोड़ रुपए उन्होंने बनाई ये दिल आपका हुआ, वो हिट हुई, उनको कोई काम नहीं दे रहा था। मुझे भी जावेद शेख वाले ही काम करने चाहिए लग रहा है, क्योंकि ये तो रास्ता बड़ा आसान है। हाँ, रास्ता तो आसान है, लेकिन फैन भी तो इतने बड़े हो ना, जो बेल्जियम से चल के आए हैं। अपने फैन गरीब ही आते हैं सर, क्या कहते हैं तफसील सर, आपकी शर्ट बहुत महंगी है, मुझे तो मुझे मुझे दे दे, आपने शर्ट 1500 रुपए की रखी है। मैं अक्सर अपने आपको घर पे बैठ के 50 साल का, आप कौन सी एज में घुसे हुए? मिडिल एज। मिडिल एज कितनी होती है? 40 से ऊपर टाइप समझ, 40-42 रगों में से दौड़ रही है, खून के अंदर भी चल रही है, हवस बेहतर है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले, ओके, तो क्या बनोगे, क्या चीज होगी जो आप बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक? आपने वो नया कुत्ता देखा है, वो जो बनाया रोबोट, रोबोट कुत्ता देखा है? हाँ, वो बड़ा जबरदस्त है, कुत्ता बनना चाहिए, वो बनना है रोबोट। हाँ, वो सबसे एडवांस चीज है, मुझे सबसे एडवांस चीज बननी है। जो सोच रहा हूँ वो आप बन नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं मैं सोच रहा था यार, हैं क्यों आप नहीं बन पाओगे? नहीं 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 हो पाएगा, नहीं आप थोड़े छोटे उसके लिए। जहाज की बात कर रहा हूँ, नया आ रहा है जहाज यार, वो सोनिक स्पीड से जाएगा, कॉनकॉर्ड का, कॉनकॉर्ड बाप आ रहा है यार, उसका बाप आ रहा है, बाप आ रहा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, कोई एंटी फेमिनिस्ट बात कर देगा? ना हो सकता। अच्छा मुझे बताओ गुरु, आपने कभी आज के इंटरव्यू के बाद हम दोनों नहीं रहेंगे, मुझे अभी से लग रहा है 2-3 चीजें एडिट करवा लेनी चाहिए। तो अब एक इनोवेटिव बात करेंगे, दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सेगमेंट का नाम ही इतना इनोवेटिव रखा है मैंने, क्या होगा गैस? इनोवेटिव सेगमेंट नहीं, सेगमेंट टू। बहुत ही सेफ सेगमेंट है, जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया, हेलमेट बनाती है। हेलमेट बनाने वाली कंपनी कौन है? ड्यूरेक्स। मुरु, क्योंकि आप एक सांसद आदमी नहीं था, तो कौन ज्यादा एडवेंचरस है? चरस में ज्यादा ध्यान नहीं देना, एडवेंचरस में एक वर्ड में देना पूरे। एडवेंचरस वो ऐसा होना यार, आज चलो पहाड़ कौन ज्यादा मेरे और मेरी बीवी के दरमियान, तो आज पहाड़ चढ़ते हैं, आज दरख से कूद जाते हैं। पहाड़ चढ़ने में मेरी बीवी मेरे से ज्यादा आगे कुछ सफर ना, मैं एक दफा बतूरा ग्लेशियर क्लाइंब कर रहा था, वो मेरे से आगे थी, और वो वहाँ के नेटिव लोगों के साथ आगे आगे भाग रही थी। तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा ब्लॉग कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस है सवाल। आप दोनों में से डर्टी माइंड किसका है? मतलब आप कह रहे हो कि यार नहीं, आज जो है ना वो हम वो देखेंगे गॉडफादर, अगला बोले नहीं भाई आज हम रास्ता देखेंगे। इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये कुदरत का डर्टी ट्रिक है, रिप्रोड्यूस आपने करना है, कर रहे हैं। आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक चीज करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, और वो करने के लिए आपके अंदर एक ख्वाहिश चाहत डाली गई है। वेरी गुड। और वो चाहत कभी खत्म नहीं होती, कुछ लोगों की हो जाती है, शादी भी कर लो वो कुछ लोगों की हो जाती है। इतने हकीम क्यों हैं? तो मेरा ख्याल है कि वो डर्टी ट्रिक जो है ना, वो आपको दिमाग से उसको शट ऑफ करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी देखे आप उसको कहो यार इसके साथ रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे भी, अब दिमाग तो यही चलता रहता है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस। इंस्टेंट टर्न ऑन क्या है? इंस्टेंट टर्न ऑन खुशबू सूंघी, खुशबू से तो ऑन। खुशबू कौन, कोई खास खुशबू? कोई सी भी खुशबू, कोई खास नहीं। आप क्या खुशबू सुन के टर्न ऑन हो जाते हो? लेवेंडर, वनीला, चलेगा चलेगा। लेवेंडर
कोई गाना ऐसा जो आपको मूड में ले आता हो, मतलब ऐसा जैसे मतलब हसन जहांगीर का कोई गाना, हटो बचो जिल दो दुखा, ऐसा कोई गाना मुझे तो वोट अमाउंट केयरलेस विस्पर, केयरलेस विस्पर जहाँ पे भी वो गाना लगेगा अब ये माहौल है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप कोशिश करके गाना बंद कर लें ऐसे और कुछ रोड पे बत्तियां खुली पसंद है या बंद पसंद है? नींद की बात कर रहे थे आप, मैं कुछ और समझ। अच्छा ऐसा होता है कभी कभी कि आप अपनी बेगम के साथ अभी बैठे हैं, मूड बन रहा है, बात हो रही है, हाँ भाई क्या हाल है, क्या है, क्या लाइट बंद है, आज की लाइट गई थी, म्यूजिक भी ऑन, तो आगे बाहर से दोस्त आ गए, रू नीचे आ जा, इस तरह की आवाज आती है प्लेटों में। तो अब बहाना कोई बनाया कभी आज तक? यार अभी नहीं आ रहा, अब रोक रहे हैं, अम्मी बीमार है, ऐसा कुछ तो घर पे रहने के लिए। बिल्कुल घर पे रहे हो हमेशा। मेरी बीवी तो मेरा एक्सक्यूज सब बन चुकी है। मेरा भी नहीं दिल कर रहा यार, वो असल में बीवी इजाजत नहीं दे रही। कोरोना के बाद से तो मैं हर चीज ही बेगम इजाजत ही नहीं दे रही, कैमरा भी नहीं दिया, बिल्कुल कोई इजाजत, कुछ नहीं चलेगा, मैं नहीं मिल सकता। कभी कोई टैटू बनवाने का सोचा, कुछ लिखवाने का बॉडी पे? नहीं, अगर लिखवाने का मौका, कोई ऐसा पैगाम नहीं जो मैं पूरी जिंदगी रखना चाहूँ अपने ऊपर। कल मेरा दिल बदल गया, आज मैंने माइकल जॉर्डन लिखा हुआ यहाँ पे, कल मुझे सचिन तेंदुलकर अच्छा लग रहा है, परसों मुझे शोएब अख्तर लग रहा है, तो फिर वो फिर मिटानी पड़ेगी ना चीजें। तो भाई तो हमेशा के लिए लिखना, कुछ चीज लिख लो ना जो कभी भी हमेशा काम आए। एग्जांपल लो आप मुझसे, अगर बोलो यहाँ पेशाब करना मना है, सबसे वाइल्डेस्ट थिंग क्या की आपने लाइफ में? लाइफ कहूंगा इसको सर, इस तरह पब्लिकली तो नहीं, अब बाद में बता दूं। तो यार तू वही क्यों जा रहा है बार बार बोलने? भाई मैंने यूं मुंह में ग्रेनेड रख लिया था एक बार, खत्म हो गई बात। मैं कब पूछ रहा हूँ कि बता भाई क्या किया है यार। मैंने एक दफा अपने एक दोस्त से लड़ाई हुई थी, उसके फ्रिज में जाके पेशाब कर दिया। तो फ्रिज पे लिखा नहीं था यहाँ पेशाब करना मना। What a fun episode! My goodness! Wow! बहुत fun है! मम्मी पापा के डर नहीं है। कुछ भी बातें कर सकते हैं यहाँ पे। अब ताबिश को भी आज मम्मी बीवी कोई याद नहीं आ रही है, जो बातें करती है सब स्पॉन्सर्ड है यार। आज तो स्पॉन्सर्ड है, अरे भाई बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। ओ भाई इरफान वाली वाइब विद अ लिटिल एक्सट्रोवर्ट नेचर, वैसा था ये। इरफान ने जैसे कहा था ना, वो खुद को सेलिब्रिटी नहीं देखते, वो खुद को एज अ कॉमन पर्सन देखते हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे मोरो से काफी हद तक सेम वाइब आई, जो खुद को एक सेलिब्रिटी नहीं माने, वो बस मानते कि मतलब है काम करता हूँ, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है बेसिकली। बहुत ओपन एंड बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत चिल है ये लोग। कॉन्वर्सेशन की ऐसा लग रहा था कि आज आई प्रॉपर टॉक, ताबिश अपने दोस्त से मिले। हाँ आज ताबिश कुछ ज्यादा ही खुश एंड अलग वो बहुत ज्यादा खुश थे आज, बहुत छोटा मजा आ गया यार। जैसे मोरू की आवाज बहुत अच्छी है, फन एपिसोड काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा एपिसोड। एक्चुअली टीवीएस के काफी हद तक एपिसोड्स मैक्सिमम फन हो जाते हैं, भले गेस्ट कैसा भी हो। ताबिश पुल ऑफ कर आज, वही बात थी कि ताबिश ऑलरेडी है और ताबिश और ज्यादा वो और कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सामने से बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छा आप कुछ और बात कर रहे थे अब, नहीं 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 वैसे टाइप के थे ये पूरे। हाय मजा आ गया तो बेसिकली 2.0 भी कोविड के टाइम ही हुआ है, 3.0 तो अपने सामने ही हुआ है। आप पर्सनली जान पाते हो उस सेलिब्रिटी को,
जिसमें हमें और भी देखने मिले, हम यहाँ पे भी अभी बहुत सारों को देख चुके हैं, लेकिन यू नो अब हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं काफी सारे ऐसे रहता है, अच्छा इनका भी देख ले, इनका भी देख ले, इनका भी देख ले, इनका बाकी इनका भी बाकी, जो कोई ताबिश को टक्कर देने वाला है वैसे बताओ यार, तब मजा आएगा। दैट इज वेरी टफ, बट आस पास भी जो भी है हमें बताना कि कौन है। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर इज सो गुड यार, सो एक्चुअली दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, इसलिए हमें ताबिश इतने पसंद है कि वो एक तो वो ऑफेंड नहीं होते इजीली, और कोई अगर ऑफेंड हो जाए तो उसको घुमाना आता है बहुत अच्छे से, बेसिकली उसको घुमाना आता है। इस कॉन्वर्सेशन से ऐसा पता चल रहा था कि ये ज्यादा आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं और ये काफी अब मतलब ये तो यही पर ही आ चुके हैं, तो इन्होंने वही पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि क्या रीजन था उनका यहाँ आने का। Nice. Okay, people, thank you for watching. Very, very, very much fun. It was so good, yaar. Take care. Take care. Bye.